काल रात्रि माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सातवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम काल रात्रि माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सातवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, आज नवरात्रों का सातवां पावन दिवस है। नवरात्रों के सातवें दिन माता काल रात्रि की आराधना की जाती है। माता काल रात्रि का ये नाम दो शब्दों की संधि से बना है। काल का अर्थ है अंत और रात्रि का अर्थ अंधकार होता है। अतः भक्तों, माता का यह रूप सदा सदा ही अंधकार अर्थात पाप और अंधकार का विनाश करता है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माँ काल रात्रि की महिमा वर्णन कथा और पूजा विधि। देखने में यूं रूप तो माँ का लगता बड़ा विकराल, काली रात के जैसा रंग है और बिखरे हुए बाल, नेत्र इनके जैसे दहकते हुए अंगारे हैं। दुर्जनों का तो काल है माता, भक्त सभी प्यारे हैं। काल रात्रि माता तो है चार भुजाधारी, गले में विद्युत माल है और करती है गधर्व सवारी। एक हाथ में इनके लोहे का एक कांटा है, दूजे हाथ में देखो माने लिया गंडा सा है। दानों दल जिस देखते ही भक्तों घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सातवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, माता काल रात्रि का रूप देखने में भले ही विकराल हो, किंतु ये भक्तों पर हमेशा ही भला करने वाली हैं। इसलिए तो इन्हें शुंभकरी के नाम से भी जाना जाता है। माता काल रात्रि का यह अवतार शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे दानवों को मारने के लिए हुआ था। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं उनके अवतार की पावन कथा। भोलेनाथ के पास में फिर तो सभी देवता आए, बोले अत्याचार दैत्यों के हद से बढ़ते जाए। शुंभ निशुंभ ने पा लिया है ब्रह्मा जी से वरदान, हो गए भोलेनाथ वो हम देवों से भी बलवान। स्वर्ग सिंहासन भी अब तो वो हमसे छीनना चाहे, भोलेनाथ कुछ करो उपाय उनका अंत हो जाए। पार्वती माता की ओर फिर भोलेनाथ ने देखा, लगे पूछने देवी उपाय है इसका बोलो क्या। विपदा में ही देव तपास हमारे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सातवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, देवताओं की पुकार सुनकर भोलेनाथ ने माता पार्वती की ओर देखा और कहने लगे, जब जब भी कोई विपदा आती है देवतागण हमारी शरण में आते हैं। शुंभ निशुंभ ने
तीनों लोक में बड़ा ही आतंक मचा रखा है। आप कोई उपाय करें जिससे शुंभ निशुंभ के अत्याचारों का अंत हो और देवता एवं ऋषि मुनि भय से मुक्त हो जाएं। माता पार्वती ने सुनी जो देवों की विपदा, एक शक्ति को माता पार्वती ने बना दिया। कन्या रूप बना कर जो पर्वत पर बैठ गई, एक दिन विचरण करते करते आया निशुंभ वहीं। देखा उसने कन्या अकेली लगी तपस्या करने, उन्हें देख कर पाप आ गया पापी निशुंभ के मन में। आकर बोला, हे कन्या तुम चलो साथ हमारे, मेरे भाई की बनो अर्धांगिनी हो जाए वारे न्यारे। तीनों लोकों में शक्तिशाली माने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सातवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार निशुंभ ने माता द्वारा बनाई गई उस शक्ति को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए और अपने साथ चलने को कहा। माता को यह सुनकर बड़ा ही क्रोध आया। माता ने उससे कहा, यदि तुमको अपनी शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो मुझे युद्ध में हरा कर यहाँ से ले जाओ। यदि तुम मुझे युद्ध में हरा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। माँ से युद्ध करने की हिम्मत जुटा नहीं वो पाया, खाली हाथ ही लौट के अपने भाई के पास है आया। आकर शुंभ को उसने सारी बात बताई है, सुनकर शुंभ ने अपनी दानों से न बुलाई है। सेनापति को शुंभ ने फिर तो है आदेश दिया, उसका हरण करके लाओ तुम कौन है वो कन्या। दानों सेना जब माता का हरण है करने आई, शुंभ निशुंभ की सेना माने पल में मार गिराई। जान बचा कर कुछ दानों तो भाग ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सातवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। भक्त जनों, इस प्रकार माँ ने शुंभ निशुंभ की अधिकतम सेना को मार गिराया। तब शुंभ और निशुंभ और भी अधिक सेना लेकर माता से युद्ध करने के लिए आए। शुंभ और निशुंभ का एक दैत्य सेनापति बड़ा ही मायावी था, जिसका नाम रक्त बीज था। सबसे पहले वो अपने कई सैनिकों सहित माँ से युद्ध करने को आया। रक्त बीज माया भी दानों युद्ध करने को आया, साथ में अपने अनेकों ही योद्धाओं को है लाया। एक साथ मिल कर के आक्रमण माता पे किया है, माने अपने धनुष बाण से निष्फल कर दिया है। जितने भी दानों थे माने सबको मार गिराया, रक्त बीज पर भी त्रिशूल है फिर तो माने चलाया। रक्त बीज का जितना रक्त भी धरती पर गिरा है, रक्त की हर एक बूंद से रक्त बीज एक बना है। जितनों को मारे उससे अधिक बन जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं, सातवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली, तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। भक्त जनों, जब रक्त बीज नाम का दानों माँ से युद्ध करने लगा तो माँ ने उस पर अपने त्रिशूल से जैसे ही वार किया, रक्त बीज के रक्त की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरी, उनसे एक नया रक्त बीज बन गया और माता उन सब पर वार करती रही। माता समझ गई है अब तो रक्त बीज की माया, रक्त गिरा जो धरा पे उससे दानो बन कर आया। अपने ही तो रूप से माँ ने एक और रूप बनाया, काली रात के जैसे जिसकी शाम वर्ण है काया। माता ने फिर काली को है ये आदेश दिया, काटती हूँ मैं जैसे सर जितने भी रक्त बीज का, एक बूंद भी देखो काली धरा पे नहीं गिरे, रक्त पान तुम करती जाना तब ये पापी मरे। जितना रक्त गिरे रक्त बीज उतने बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सातवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, माँ ने अपने ही रूप से दूसरे रूप का निर्माण किया, उन्हीं का नाम कालरात्रि था। उन्होंने माता काली को आदेश दिया कि रक्त बीज का जितना भी रक्त धरती पर गिरता है उतने ही रक्त बीज बनते जाते हैं, अतः मैं जितने भी रक्त बीजों का सर काटती हूँ तुम उन सबका रक्त पान कर लेना, ताकि इसके रक्त की बूंदें धरती पर ना गिरे और रक्त बीज ना बन पाए। रक्त बीज का रक्त पान माता काली ने किया, उस पापी का वध संभव तब ही तो भक्त हुआ। काल रात्रि माँ शक्ति का यही रूप है दूजा, नवरात्रों में सातवें दिन जिस रूप की होती पूजा, चंड मुंड का भी संहार यही करने वाली है, इन्हें हिरण चंडी कहते और कहते काली है। भक्तों की रक्षा करने माता सदा आती है, दुर्जन दुष्ट जनों को ये तो मार गिराती है। देव तगण और ऋषि मुनि भक्तों जिन्हें ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सातवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली, तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। भक्त जनों, माता ने इसके पश्चात शुंभ और निशुंभ का भी वध कर दिया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्त कराया। रक्त बीज का रक्तपान करने के लिए माता ने जो रूप बनाया था वही रूप कालरात्रि के नाम से पूजा जाता है। भक्तों, माता अपने हर एक रूप में भक्तों की रक्षक हैं। आइए अब जानते हैं माता कालरात्रि की पूजा विधि। स्नान ध्यान से प्रातः काल पहले निवृत्त हो जाए, स्वयं के आसन के लिए भक्तों कंबल लाल बिछाए, गंगा जल से फिर माता को स्नान कराना चाहिए,
रोली और अक्षत से इनको तिलक लगाना चाहिए। रात की रानी के पुष्पों को अर्पित इन्हें करें, मन ही मन में काल रात्रि माँ का है नाम सुमिरे। घी का दीपक भी तो एक जलाया जाता है, गुड़िया शहद का माँ को भोग लगाया जाता है। पूजा पाठ करके फिर उनकी आरती गाते हैं, पावन सातव नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, ये था माँ काल रात्रि के अवतार का वर्णन और पूजा विधि। माता काल रात्रि का जो भी भक्त सच्चे मन से ध्यान करते हैं, उनको माता सभी प्रकार के भय से मुक्त करती है। तो भक्तों, सदैव माता काल रात्रि के इस रूप का ध्यान लगाना चाहिए। भक्त जनों, एक बार प्रेम से बोलिए माता काल रात्रि की जय। पावन पर्व बड़ा ही नवरात्रों का माना जाता, नव दुर्गा के हर एक रूप को जिसमें पूजा जाता। माता अपने हर एक रूप में भक्तों के कष्ट हरे, सातवें दिन माँ काल रात्रि की सब पूजा करे। हंस राज रेल हन भी माता करे तुम्हारा ध्यान, आपकी ही कृपा से भवानी बनते हैं सबका। डीएस पालक भी मैया तुम भाग्य विधाता है, फौज सुरेश भी सदा चरणों में ध्यान लगाता है। चरण धूल तेरी हम मस्तक से लगाना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सातवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। नवरात्रों का आज है भक्तों सातवा दिन, नवरात्रों भक्तों सातवा दिन। काल रात्रि माता का करेंगे मिलकर सब पूजन, करेंगे मिलकर सब पूजन। नव दुर्गा ना कभी
किंतु ऐसा रूप देख कर भक्त ना कभी डरे। शुभंकरी कहलाती है माँ, कृपा सदैव करे भक्तों पर, कृपा सदैव करे। देखने में ये माँ का रूप तो लगता है विकराल, देखने में ये माँ का रूप तो लगता है विकराल, लेकिन माता भक्तों को करती सदा निहाल, कृपा से करती सदा। सिमरन मात्र से ही टल जाए सब ही ग्रह बाधाए, सिमरन मात्र से ही टल जाए सब ही ग्रह बाधाए। अग्नि जल जंतु शत्रु के भय से मुक्त हो जाए भक्त सब, भय से मुक्त रूप का माता काल रात्रि के जो भी ध्यान लगाते, रूप का माता काल रात्रि के जो भी ध्यान लगाते, भूत प्रेत और दानव दैत्य पास कभी नहीं आते, उनके पास कभी नहीं आते।
दैत्यों के संहार को माने अपना ये रूप बनाया। रक्त बीज को काल भी माता के हाथों ही आया, माता के हाथों ही आया। शुंभ ने शुंभ की सेना में जो दानव था बलवान, शुंभ ने शुंभ की सेना में जो दानव था बलवान, मायावी दानव था उसको ऐसा था वरदान के भक्तों ऐसा था। रक्त बीज का जितना रक्त भी धरती पर गिर जाए, रक्त बीज का जितना रक्त भी धरती पर गिर जाए, हर एक रक्त की बूंद से एक और रक्त बीज बन जाए, एक और रक्त बीज बन जाए। शुंभ ने शुंभ का करने आई माता जब संहार, शुंभ ने शुंभ का करने आई माता जब संहार, अनेकों ही दैत्यों ने मिलकर किया है माँ पे प्रहार, किया है मैया पे प्रहार। लेकिन बल चंड मुंड नामक दो भाई दैत्य बड़े बलवान, चंड मुंड नामक दो भाई दैत्य बड़े बलवान, अपनी शक्ति पर जिनको हुआ बड़ा अभिमान, हो गया उन्हें बनाया है, ओ भक्तों रूप बनाया है। टूट पड़ी माता दैत्यों पर मच गई हाहाकार, टूट पड़ी
गई हाहाकार। चंड मुंड तो भी माता ने कर दिया है संहार, ओ भक्तों कर दिया है संहार। शुंभ निशुंभ को ज्ञात हुआ के चंड मुंड गए मारे, शुंभ निशुंभ को ज्ञात हुआ के चंड मुंड गए मारे। रक्त बीज को कहा के जाकर शक्ति को ललकार, जिसने चंड रक्त बीज पाकर आ गया जो रणभूमि में आया, रक्त बीज पाकर आ गया जो रणभूमि में आया। लेकर के त्रिशूल मैया ने शीश ही काट गिराया, उसका शीश ही लेकिन धरती पर जैसे ही उसका रक्त गिरा, लेकिन धरती पर जैसे ही उसका रक्त गिरा, हर एक रक्त की बूंद से दानव एक वैसा ही बना, एक दानव उसके जैसा बना। और जितने भी रक्त बीज थे युद्ध करने को आए, और जितने भी रक्त बीज थे युद्ध करने को आए, माता ने फिर दैत्यों के शीश है काट गिराए, सबके शीश है काट गिराए। लेकिन उन सब का भी रक्त तो गिरा है धरती पर, लेकिन उन सब का भी रक्त तो गिरा है धरती पर।
रक्त बीज का रक्त धरा पे माने ना गिरने दिया। रक्त बीज का रक्त धरा पर माने ना गिरने दिया। मान किया प्रहार दैत्यों का रक्त पान किया मैया ने रक्त जाकर के रक्त बीज का अंत हुआ संभव। तब जाकर के रक्त बीज का अंत हुआ संभव। काल रात्रि का रूप बनाकर मैया ने किया है सब के भक्तों मैया ने किया। शुंभ निशुंभ को तब तो माने मार गिराया है। शुंभ निशुंभ को तब तो माने मार गिराया है। सब देवों को उनके भय से मुक्त कराया है। स्वर्ग फिर रक्षक बन कर आई माता जब बढ़ा अत्याचार। रक्षक बन कर आई माता जब बढ़ा अत्याचार। माता सदा अपने भक्तों पर करती है उपकार के मैया करती है। काल रात्रि का रूप बनाकर बनी दैत्यों का काल। काल रात्रि का रूप बनाकर बनी दैत्यों का काल। और देवताओं के संकट माता ने दिए है टाल। बनी है रक्त बीज का का जो भी भक्तों ध्यान लगाए। माता के इस रूप का जो भी भक्तों ध्यान लगाए। भूल के भी कभी शत्रु कदापि निकट न उसके आए। भक्तों शत्रु निकट न हंसराज रिलहन की माता रक्षक तुम्ही सदा हो। हंसराज रिलहन की माता रक्षक तुम ही सदा हो। फौजी सुरेश तेरे चरणों से माता जुदा कभी भी ना हो मैया जुदा। नमस्तस्यै नमस्तस्यै।
येषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
मैं कहलाई। जन्म हिमाचल के घर पाई। सागर की पार लगैया पंच
राक्षस मरवाए। जगत की माँ विख्याता से गंग बहाई थी महामाया
को ध्याए। शुभ